नमस्कार। आज फिर मैं राजसमंद के अखबारों की सुर्खियां लेकर सामने आया हूं और लाइव आपको बताता हूं कि राजसमंद जिले के साथ देश प्रदेश की राजनीतिक उठापटक के साथ क्या खास खबरें आज अखबारों में सुर्खियां बनी हैं। उन अखबारों की खास खबरें आपको पढ़कर बताता हूं कि क्या आज बड़ी खबरें क्या रही हैं। जो आज बड़ी खबर की बात करें तो उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी की दोनों ही चुनावी सभाएं बड़ी सुर्खियों में रही, जो कि कांग्रेस की बड़ी सभा जयपुर में हुई थी जबकि बीजेपी की अजमेर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए जबकि जयपुर में सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ कई दिग्गज नेता थे। दोनों ही पार्टियों की यह जनसभा हुई, यह काफ़ी चर्चाओं का विषय बनी थी और यही मुख्य रूप से आज अखबारों की हेडलाइन भी रही। पुष्कर में जहां प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर प्रहार रहा तो जयपुर में खड़गे और सोनिया व प्रियंका ने पलटवार किया। पुष्कर में जहां प्रधानमंत्री की सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को पीछे धकेलने का एजेंडा लेकर आई है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाजपा आई तो संविधान रहेगा न संवैधानिक संस्थाएँ। उन्होंने लोकतंत्र को खतरा बताया। इस तरह से दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप इन सभाओं में देखने को मिले, जहां प्रधानमंत्री द्वारा बीजेपी की सभा में कांग्रेस की मुस्लिम लीग की सोच से तुलना की, कहा कि भाजपा की सरकार बनने से पहले 100 दिन में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का बड़ा फैसला होगा, ये नरेंद्र मोदी ने इस सभा में ऐलान किया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की जो जनसभा हुई उसमें कांग्रेस नेताओं ने मोदी और भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए, प्रधानमंत्री पर झूठी गारंटी देने के आरोप लगाए और कांग्रेस ने कहा कि जो कांग्रेस जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। इसका गवाह है राजस्थान। राजस्थान में पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जो पिछले बताया जा रहा है कि जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं, और दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से भी यही कहा गया कि मोदी की गारंटी सही है, जो मोदी ने जो कहा है वह करके दिखाया है। राजसमंद जिले में आपको बता दें कि मुख्य रूप से गढ़बोर में भगवान चारभुजनाथ मंदिर में भागोत्सव की धूम मची हुई है और वहीं उसके पास में सेवंत्री स्थित रूपनारायण मंदिर में भी भागोत्सव है हो रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन आपको बता दें कि ठाकुर जी के बाल स्वरूप को मंदिर के बाहर लाया जाता है, जहां पर रंग गुलाल अबीर से के साथ श्रद्धालु खेलते हैं और वहां से पारंपरिक वेशभूषा में गुजर समुदाय के लोग और अन्य समाज सर्व समाज के लोग भी विभिन्न वेशभूषा में गैर नृत्य का करते हैं। गैर नृत्य के साथ में गुलाल अबीर छिड़क कर वो होली इस भागोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर बड़ी खबर की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से शिक्षा विभाग का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा से वंचित रही रेप पीड़िता अब परीक्षा दे सकेगी। नाम काटने वाले निजी स्कूल की मान्यता रद्द करने की अनुशंसा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कर दी गई है। जिला विधिक प्राधिकरण ने शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर जिला शिक्षा अधिकारी की जांच रिपोर्ट में छात्रा को प्रवेश पत्र न देने और उसे बिना बताए स्कूल से नाम काटने का मामला सही पाया गया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि उस स्कूल की मान्यता ही रद्द की जाए और उस पीड़ित परीक्षा को परीक्षा दिलाई जाए। मुख्य रूप से किडनी खरीद फरोख्त का रैकेट का खुलासा भी पुलिस ने किया है। जयपुर का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें मुख्य रूप से किडनी की खरीद फरोख्त का मामला सामने आ रहा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एनओसी घूसकांड में जो मामले पकड़े हैं उनमें चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुआ है। नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया जैसे देशों से आने वाले अधिकतर मरीज और डोनर के बीच न ब्लड रिलेशन है न ही वे आपस में कोई रिश्तेदार। इन मामलों में डोनर की खरीद की गई थी, घूसखोरी का आरोपी गौरव सिंह ऐसे मामलों में ही मोटी रकम वसूल करता था। कानून के मुताबिक रिश्तेदारों के अतिरिक्त किडनी व अन्य अंगदान पर रोक है। इसके बावजूद मुख्य रूप से इस आरोपी द्वारा अन्य देशों के लोगों को किडनी और अंगदान किया गया, इसमें इन्होंने बड़ी राशि वसूल की। इसमें मुख्य रूप से एनओसी दिलाने का ये एक बड़ा खेल
सामने आ रहा है। इसके अलावा राजस्थान पत्रिका की एक बड़ी खबर मुख्य रूप से आज है सुर्खियों में, हेडलाइन में। इसमें मुख्य रूप से ये है कि जो लोकसभा चुनाव हो रहा है इसमें इस बार के चुनाव में सर्वाधिक नेताओं ने दल बदले हैं, सांसद और विधायकों ने टिकट नहीं मिलने से पार्टी छोड़ी है, और उसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस छोड़कर लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके अलावा कुछ लोग भाजपा छोड़कर बीजेपी में भी शामिल हुए हैं, तो कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टियों के लोग भी भाजपा में शामिल हुए हैं। भारतीय राजनीति में 60 के दशक में चलन में आया था आया राम गया राम मुहावरा, इस बार के लोकसभा चुनाव में चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। दल बदलों की बाढ़ सी आ गई है। राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इधर से उधर आने और जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। कई नेता रोजाना बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से बीजेपी या अन्य क्षेत्रीय दलों में आ और जा रहे हैं, और ख़ास तौर से बड़ी तादाद में जो कांग्रेस या अन्य दलों से जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं उन्हें टिकट भी दिया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनकी अनदेखी की भी बातें सामने आ रही हैं, उनकी नाराज़गी भी सामने आ रही है। और राजस्थान में सबसे बड़ी दल बदली और उसके बाद उन्हें जो टिकट दिया गया है वो चेहरे आपको बता दें कि राजस्थान में सबसे जो सुर्खियों में रहा वो है राहुल कसवा चूरू से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इसी तरह प्रहलाद गुंजल जो कोटा में भाजपा के वरिष्ठ नेता थे वो कांग्रेस में शामिल हुए और उन्हें टिकट दिया गया। इसी तरह महेंद्रजीत सिंह मालविया बांसवाड़ा से, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से उन्हें भाजपा से प्रत्याशी बनाए हैं, जो कि कांग्रेस के कार्यकाल में वो कैबिनेट मंत्री रहे, उससे पहले भी दो बार मंत्री रह चुके हैं, लगातार उन विधायक भी रहे हैं, उनकी पत्नी जिला प्रमुख भी रही हैं। उसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली और भाजपा ज्वाइन करते ही भाजपा द्वारा उन्हें टिकट दिया गया। इसी तरह एक चेहरा है उम्मेदाराम बेनीवाल, बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, ये भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और इन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की और ये अभी कांग्रेस के प्रत्याशी वहाँ हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें जहाँ पर दानिश अली अमरोहा कांग्रेस प्रत्याशी हैं, ये बीजेपी से कांग्रेस में आए। इसी तरह रितेश पांडे अम्बेडकर नगर भाजपा प्रत्याशी बने हैं। अफजल अंसारी गाजीपुर से सपा प्रत्याशी बने हैं। संगीता आज़ाद लालगंज भाजपा प्रत्याशी बने हैं। इसी तरह तेलंगाना राज्य की बात करें तो वहाँ पर बीबी पाटिल जहीराबाद से भाजपा प्रत्याशी हैं, बी वेंकटेश नेथा कांग्रेस प्रत्याशी हैं, पी दया शंकर वारंगल कांग्रेस प्रत्याशी हैं और जी रंजीत रेड्डी कांग्रेस प्रत्याशी बने हैं, जबकि पी भरत नगरकुरनूल भाजपा के प्रत्याशी बने हैं। ये तेलंगाना के हैं। इसके अलावा हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर एक जो दल बदल कर आए ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। इसी तरह अगर झारखंड की बात करें तो वहाँ पर मुख्य रूप से गीता कोड़ा को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है दल बदलने के बाद, और इसी तरह सीता सोरेन को द्रुमका जो भाजपा प्रत्याशी बनी है उन्हें भाजपा में आने पर उन्हें तत्काल टिकट दे दिया गया। भाजपा और कांग्रेस राजसमंद की लोकसभा सीट से आपको बता दूं कि भाजपा प्रत्याशी हैं महिमा कुमारी और कांग्रेस प्रत्याशी हैं डॉक्टर दामोदर गुजर। दोनों ही प्रत्याशी मैदान में डटे हुए हैं और दोनों ही प्रत्याशी पिछले दो दिनों से लगातार मारवाड़ क्षेत्र की विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं। मेड़ता, डेगाना और उस क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने देवगढ़ से इसकी शुरुआत की। देवगढ़ में दो दिन पहले उन्होंने बैठक ली, फिर भीम में बैठक ली, उसके बाद ब्यावर, ब्यावर के बाद वो मारवाड़ की अन्य विधानसभाओं में हैं, जेतारण, डेगाना, मेड़ता, उस क्षेत्र पर उन्होंने फोकस कर रखा है। भाजपा प्रत्याशी भी समर्थकों के साथ उस क्षेत्र के दौरे पर हैं, उसके बाद वो राजसमंद की दौरे पर आएंगे। अभी फिलहाल दोनों ही प्रत्याशियों का ध्यान मारवाड़ क्षेत्र की सीटों पर बना हुआ है। आपको बता दें कि मुख्य रूप से लोकसभा के जो वोटर हैं राजसमंद लोकसभा के, उसमें वो स्थिति भी लगभग क्लियर हो गई है पिछले विधानसभा के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले। पिछले 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके मुकाबले 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं इसमें करीब 1.5 लाख वोटर बढ़े हैं, नए वोटर बने हैं। 1,51,567 नए वोट बने हैं, वोटर बने हैं, और अभी ये इस तरह कुल 20 लाख
64,478 मतदाता राजसमंद सांसद चुनेंगे। इसके अलावा एक बड़ी खबर है राजसमंद जिले के दिवियर थाना क्षेत्र की, जहां पर जीरण के लापता ट्रेलर चालक का 6 दिन बाद भी सुराग नहीं लगा है। परिवार के लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन व इनसे जुड़े कारोबारियों ने जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी को ज्ञापन देकर उन्होंने जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि दिवेर थाना क्षेत्र के जीरण गांव के लापता ट्रेलर चालक का 6 दिन बाद भी सुराग नहीं लग पाया है। ऐसे में उसके घर परिवार और उसके मासूम बच्चे, पत्नी और दिव्यांग पिता उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। टोटगढ़ पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। जीरण तहसील देवगढ़ निवासी ट्रेलर चालक मोहन लाल पुत्र जस्सू गुजर गत 1 अप्रैल को केलवा में एक खान से मार्बल खंडे भरकर गोटन नागौर जाते समय भीम के आगे बालाचराट चौराह से आगे टोटगढ़ थाना क्षेत्र से लापता हो गया था, जबकि मुख्य सड़क पर ट्रेलर खड़ा मिला। इस मामले में ट्रेलर चालक के भाई चतुर्भुज गुजर ने टोटगढ़ थाने से में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने 6 दिनों बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और न उस पीड़ित के बारे में कोई सुराग लग पाया है। ट्रेलर चालक के गुम होने की सूचना के बाद उसके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। चालक के परिवार में दिव्यांग पिता जस्सू गुजर 85 साल, पत्नी मीरा देवी और 2 पुत्र वासुदेव 11 साल, भेरू 7 साल, 2 पुत्रियां नर्मदा 14 साल और तुलसी 5 वर्ष उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। ये मुख्य रूप से राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र के जीरण गांव की ये बड़ी खबर है। इसके अलावा रेलमगरा थाना क्षेत्र की बात करें तो रेलमगरा थाना पुलिस द्वारा अवैध रूप से गीली लकड़ी ले जाते हुए 2 ट्रकों को जब्त किया है। ये राजसमंद जिला पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। इसके अलावा आमेट क्षेत्र के राछेटी में बिजली का तार टूटने से एक भैंस की मौत होने की भी खबर सामने आ रही है। एक पैंथर, जैसा कि आपको बता दें कि राजसमंद शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में लगातार पैंथर का काफ़ी आतंक बढ़ रहा है। शहर, गांव, ढाणी सब जगह रात नहीं अब दिन में भी पैंथर की चहलकदमी लोगों को देखने को मिल रही है। कई लोगों के लिए अब दिन के समय खेत और भीड़ में जाना भी मुश्किल हो गया है। पैंथर की चहलकदमी ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि राजसमंद शहर क्षेत्र में भी देखने को मिल रही हैं। कुछ दिनों पहले सोफिट रोड पर ही कुछ मवेशियों का शिकार कर दिया और सोफिट रोड पर आबादी क्षेत्र में देखने को मिला, जिससे क्षेत्रीय लोगों में डर व दहशत व्याप्त हो गई। इसके अलावा धोइंदा क्षेत्र में भी देखने को मिला तो नौचौकी की पहाड़ी पर भी पैंथर की चहलकदमी कई बार लोगों द्वारा देखी गई हैं। राजसमंद जिला मुख्यालय के पास सुंदरचा में एक 8 साल का वयस्क पैंथर शुक्रवार रात को प्लॉट की तारबंदी में बुरी तरह फंस गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसे ट्रैंकुलाइज कर पकड़ लिया गया। वह काफ़ी लहूलुहान हो चुका था, उसे तार में फंस गया था। ट्रैंकुलाइज करने के बाद वन विभाग की टीम द्वारा उसे पकड़ा गया और बाद में उसे पिपरडा नर्सरी में ले जाया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। पैंथर की मौत होने के बाद वन विभाग द्वारा विधि विधान से उसका वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके अलावा कुमारिया क्षेत्र के लापसिया गांव में भी एक आग लगने की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चारा जल गया, खाकला भी जल गया और जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार ने सरकार से, प्रशासन से मुआवजे की मांग उठाई है। क्योंकि ये थी मुख्य रूप से दोनों ही बड़े अखबारों की सुर्खियां। हम प्रयास करेंगे इसी तरह की खास खबरों को आपको इस तरह से लाइव आकर बता सकें। आप इसी तरह देखते रहिए जयवर्धन न्यूज़। फेसबुक पर लाइव राजसमंद पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर जयवर्धन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जूरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।